वेलकम गाइस, वीवो का Y75 ये देखें, यहाँ पे अनलॉकिंग चल रही है। वीवो V9 Y75 वालों, वीवो V9 ये ओल्डन हो गया है। मैं आपको जो है इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। ये मेरा वर्जन है 3.95 MRT से किया है। यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो वीवो Y75S ऑटो पे फॉर्मेट अनलॉक, ठीक है। और ये जो फ़ोन है ये आप देखें, यहाँ पे ये खुला हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं इसके आइडियल पॉइंट होते हैं। बैटरी के नीचे एक रबड़ सी होगी ब्लैक कलर की, उसे आपको हटाना होगा। हटाने के बाद यहाँ पे ये देखेंगे दो पॉइंट है, ये वाले, ये दो पॉइंट ये हमारे जो हैं आइडियल पॉइंट है, ठीक है। इसे आप शॉर्ट करके डाटा केबल लगाना और फॉर्मेट अनलॉक करके जो है आपको स्टार्ट कर देना है। ये नीचे से यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। अब मैं जो है इसकी बैटरी लगा के इसको ऑन करता हूँ। वाइब्रेट हो चुका है, अब ये ऑन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप MRT से जो है इजीली अनलॉक कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अनलॉक हो रहा है। मेरा वर्जन देख लिया आप, 3.95। वैसे अब जो लेटेस्ट वर्जन आ गया इसका 5.52 का, लेकिन उसे जो है इंस्टॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो वर्जन जो है अभी प्रॉपर आया नहीं है। ये कोई जो हर एक कोई इसे चला नहीं पा रहा 5.5 को। वैसे मेरे पास जो है अभी इसका लेटेस्ट वर्जन ही है, ये 3.95। वैसे अब जो आ गया 5.52 का भी आ गया, लेकिन वो जो है मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो इंस्टॉल प्रॉपर हो भी नहीं रहा है। सबके अलग अलग तरीके हैं इंस्टॉल करने के। तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। जहाँ से जिस वेबसाइट से मैं डाउनलोड मारता हूँ उस वेबसाइट पर जो है अभी 5.52 का अभी सॉफ्टवेयर आया नहीं है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो कि आपके पास 5.52 का सॉफ्टवेयर है नहीं। और ये देखें यहाँ पर जो है, ये जो है इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है गाइस। तो ये इजीली जो है ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समय लगेगा, उसके बाद जो है ये अनलॉकिंग हो जाएगी इसकी भी। और FRP करनी है तो इसकी FRP भी हम कर लेंगे यहाँ से, इरीज FRP पे सेलेक्ट करके, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये किया है सेम मैं इसका FRP भी करके दिखा दूँगा आपको। अभी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है डोंट ड्रॉप यूर फोन। अगर इसका FRP नहीं हो रहा होगा तो मैं FRP भी आपको करके दिखा देता हूँ इसकी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आप फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिंगरप्रिंट का तो ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो हम फेस लॉक का यूज़ कर लेंगे। फेस लॉक का ऑप्शन आ रहा है, फेस लॉक सेट हो गया है। और हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। वैसे इसमें इरीज FRP का भी ऑप्शन था, अगर ये चल जाता है। नहीं चलेगा तो हम वाईफाई से कनेक्ट, जैसे अब ये नहीं चला तो अब हम इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे।
जो हमने डाला था पासवर्ड वही पासवर्ड डाल देंगे इसमें। ये स्किप का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। भैया हाँ बोलो। टेम्पर कवर उतार दो, कवर उतार दो, कवर उतार दो। तो गाइस ये हमारा फोन चालू हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।